लखनऊ में लखनऊ के अटल चौक पर बीजेपी का प्रदर्शन। लखनऊ के अटल चौक पर बीजेपी का प्रदर्शन, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिलावल भुट्टो का पुतला फूंका है। पीएम मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी के बाद जलाया गया पुतला। हजरतगंज चौराहे पर कार्यकर्ताओं ने फूंका भुट्टो का पुतला। लखनऊ के अटल चौक पर बीजेपी का प्रदर्शन, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिलावल भुट्टो का पुतला फूंका। पीएम मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी के बाद जलाया गया पुतला। हजरतगंज चौराहे पर कार्यकर्ताओं ने फूंका भुट्टो का पुतला। लखनऊ के अटल चौक पर बीजेपी का प्रदर्शन, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिलावल भुट्टो का पुतला फूंका। पीएम मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी के बाद जलाया गया पुतला। हजरतगंज चौराहे पर कार्यकर्ताओं ने फूंका भुट्टो का पुतला। लखनऊ के अटल चौक पर बीजेपी का प्रदर्शन। आपको बता दें, बिलावल भुट्टो के अमर्यादित विवाद बयान पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिलावल भुट्टो का पुतला फूंका है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शादाब हमारे साथ जुड़ेंगे। शादाब, अटल चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिलावल भुट्टो का पुतला फूंका है। देखिए नंदनी, मैं बता दूं आपको कि जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ अपन के बाद कार्यकर्ता लगातार नाराज नजर आ रहे थे, लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी उन्होंने अटल चौराहा में प्रदर्शन किया, भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता थे और कई जो बड़े कार्यकर्ता है वो भी मौजूद थे, उन्होंने साथ मिलकर प्रदर्शन किया। वही जो विदेश मंत्री है तो उनका पुतला भी फूंका है, साथ ही जोरदार प्रदर्शन किया है। फिलहाल उनकी मांग यही है कि जो है इन पे कार्रवाई की जाए। अब ये देखने वाली बात है कि कब इनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। फिलहाल लगातार बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और जोरों शोरों से वो प्रदर्शन कर रहे हैं, और साथ ही जो उनके नेता हैं वो भी साथ मौजूद है। प्रदेश अध्यक्ष भी वो आज प्रदर्शन में मौजूद है, और साथ ही उन्होंने विदेश मंत्री जो भुट्टो है उनका पुतला भी फूंका है और साथ ही लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं। जी शादाब, क्या लगता है बिलावल भुट्टो इस तरह का हमला कर भारत पर, क्या लगता है पाकिस्तान की जनता का समर्थन पाना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, देखिए जिस हिसाब से उन्होंने ये आपस टिप्पणी की है पीएम मोदी के साथ, तो ये एक बहुत गलत मामला ये सामने आ रहा है। और ये जाहिर सी बात है, अपनी राजनीति चमकाने को लेकर इन्होंने ऐसा पाकिस्तान में बयान दिया है, लेकिन जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने साफ तौर पर वहाँ के जो बीजेपी कार्यकर्ता है उन्होंने इसका विरोध किया है। और गलत मामला भी है ये, इस तरह की इनको बयान नहीं देने चाहिए थे जिस तरह इन्होंने अपन टिप्पणी की है, ये बहुत ही गलत है और निंदनीय है कि इस तरह का बयान उन्होंने दिया है। फिलहाल जो यहाँ के कार्यकर्ता है, पूरे उत्तर प्रदेश में इसका आक्रोश है, पूरे उत्तर प्रदेश में इसका प्रदर्शन किया जा रहा है। फिलहाल अभी जो लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में हजरतगंज के परिवर्तन चौक से लेकर बीजेपी कार्यालय तक इन्होंने बड़ा प्रदर्शन करते हुए भारी कार्यकर्ताओं के साथ एक प्रदर्शन किया है और आगे भी प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक इस पर कार्रवाई नहीं होगी। वहीं पर भी अभी आपने बताया जिस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा है, आज लखनऊ में प्रदर्शन हुआ है, वो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन करेंगे इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन होना था, आज प्रदर्शन किया गया है। वहीं अगर लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में भी आज प्रदर्शन लगातार चल रहा है, कल भी प्रदर्शन हुआ था और आज भी बहुत जोरों शोरों से प्रदर्शन किया गया है। आपको ये भी बता दें कि भारी संख्या में जो बीजेपी कार्यकर्ता थे और जो बीजेपी नेता है वो साथ मिल के यहाँ पे प्रदर्शन किया गया है और उनकी मांग यही है कि इन पे कार्रवाई की जाए। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका शादाब। गाजियाबाद में बिलावल भुट्टो के बयान पर हंगामा, खबर गाजियाबाद से आ रही। आपको बता दें बीजेपी ने डीएम ऑफिस के बाहर किया प्रदर्शन,
बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पाक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। खबर गाजियाबाद से है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में लगाए नारे। गाजियाबाद में बिलावल भुट्टो के बयान पर हंगामा। बीजेपी ने डीएम ऑफिस के बाहर किया प्रदर्शन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पाक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में लगाए नारे। गाजियाबाद में बिलावल भुट्टो के बयान पर हंगामा। बीजेपी ने डीएम ऑफिस के बाहर किया प्रदर्शन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पाक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में लगाए नारे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवीण मिश्रा हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रवीण, अभी देखा जाए तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज पर बिलावल भुट्टो का पुतला फूंका है और अब गाजियाबाद में और डीएम के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताऊं, बिलावल भुट्टो जरदारी ने जैसे ही वहां पर पाकिस्तान का जो विदेश मंत्री है जिस तरह से अमर्यादित टिप्पणी का हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की है, उसके बाद से एक आक्रोश सबके अंदर पैदा हो गया है। बात करें वही बीजेपी कार्यकर्ताओं की, तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं से लेकर पदाधिकारी भी लगातार गाजियाबाद में कई जगहों पर उनका जरदारी का पुतला फूंका गया है और लगातार ये जो जिस तरह से अमर्यादित टिप्पणी जो करी गई है जरदारी की तरफ से, कहीं ना कहीं अब वो जो टिप्पणी है उसको उस पर माफी मांगे और उस पर कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार जो प्रधानमंत्री जो देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है खासा अच्छे व्यक्तित्व के प्रधानमंत्री हैं, अभी तक जितने भी कहीं भी देश विदेश भी गए तो उनकी सराहना की गई है, तो इस तरह से जो पाकिस्तान का एक चरित्र है, खासतौर पे जो चरित्र है हमेशा से ही एक बहुत ही गंदा रहा है, जिसमें कई ऐसी चीजें सामने देखने को मिली है, कई ऐसे बयान उनके तरफ से आते हैं जो कि हिंदुस्तान को लेकर एक भड़काऊ बयान भी होते हैं, तो ऐसा इस बार जो जो बिलावल भुट्टो ने जिस तरह से जो बयान दिया है और जिस तरह से प्रधानमंत्री के खिलाफ जो अमर्यादित टिप्पणी की है, तो कहीं ना कहीं पूरा देश आक्रोशित है और कहीं ना कहीं अब जो है लगातार उसके पुतले जलाए जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि इस तरह से प्रधानमंत्री को जिस तरह से जो एक बयान दिया है, जो वहाँ के विदेश मंत्री है उन्होंने एक अमर्यादित टिप्पणी की है, तो क्या कुछ आपका कहना है? बिलावल भुट्टो मुर्दाबाद, मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद मुर्दाबाद बिलावल भुट्टो विदेश मंत्री तो पाकिस्तान के, उनकी सोच ये दर्शाती है कि वो पाकिस्तान के विदेश मंत्री बनने लायक ही है। और हम भारत के नागरिक चाहते हैं बिलावल भुट्टो को इसके लिए माफी मांगना चाहिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, मोदी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद मोदी जी, जिंदाबाद। क्योंकि लोगों के मन में जो एक प्रधानमंत्री के प्रति जो प्यार है, खासतौर पे प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कोई भी बात नहीं सुन सकते हैं, खासतौर पे जो एक ऐसा देश जो हमेशा से विवादित टिप्पणियां करता है, विवादित बयान देता है, तो हमारे साथ देखिए और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे किस तरह से जो बयान दिया जा रहा है। एक बात करिए, ये बताइए कि अभी जो बयान दिया गया है उस पर और क्या कुछ मतलब चाहते हैं देश की जनता, क्योंकि लगातार उसके पुतले ही फूके जा रहे हैं और उसके बाद भी अभी माफीनामा अभी तक उनके तरफ से नहीं आया, तो और क्या कहना है? माफीनामा तो उनकी सोच और मानसिकता दर्शाती है, वो सदैव हमारे भारत के विरोधी रहे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो उन्होंने टिप्पणी की है बहुत ही अशोभनीय है, तो वो दर्शाती है कि वो कितने निचले स्तर पर जा सकते हैं। ये पाकिस्तानी की सोच और पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की सोच है, मगर भारतीय अपने देश के प्रधानमंत्री को दिल से चाहते हैं और दिल से प्यार करते हैं। बिलावल भुट्टो को माफी मांगना चाहिए। भारत माता की जय, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखिए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं लगातार जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो उनसे लेकर हमें, और जो एक ऐसे सामान्य जो व्यक्ति है खासतौर पे जो प्रधानमंत्री को ज्यादा प्यार करते हैं, जो चाहते हैं खासतौर से दिल से, तो वो लोग भी नारेबाजी कर रहे हैं और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो बिलावल भुट्टो ने जिस तरह से, जरदारी ने जिस तरह से जो बयान दिया है और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जिस तरह से आपत्तिजनक बात कही है, और बात करें तो कहीं ना कहीं अब पूरा देश आक्रोशित है, जगह जगह जिले में हर जगह पर पुतले फूके जा रहे हैं, लोग खासा नाराज है, जब तक वहां से माफीनामा नहीं आता तो जब तक कोई बात अभी कही नहीं जा सकती। जी प्रवीण, देखा जाए जिस तरीके से शहबाज सरकार और बिलावल भुट्टो ने ये बयान दिया है, तो कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान की जनता का समर्थन लेना चाहते हैं, क्योंकि जग जाहिर है जिस तरीके से उनकी सरकार बनी थी।
देखिए समर्थन, देखिए जब तक कोई विवादित टिप्पणी नहीं करता है तो वो लाए वो ट्रेंड में, ट्रेंडिंग में नहीं आता, तो कहीं ना कहीं वो एक मीडिया फ्रेम बनना चाह रहे हैं और कहीं ना कहीं। लेकिन जो प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है उनके खिलाफ इस तरह के बयान देना और उनकी तुलना एक ऐसे व्यक्ति से कर देना जिसको लोग आतंकवादी मानते हैं, उसके बाद लगातार अभी भी किसी भी तरह की कोई टिप्पणी नहीं पाकिस्तान की तरफ से आना, तो कहीं ना कहीं एक शर्मनाक करने वाली बात है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस तरह से अमर्यादित टिप्पणी करना तो लोगों के मन में जो इस समय पर काफी रोष है, जब तक ये चाहते हैं कि अगर ये माफीनामा नहीं आता जब तक लोग उसका पुतला फूकेंगे और नारेबाजी करेंगे, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाएंगे। इस तरह की लगातार अभी जो चीजें हैं अभी, क्योंकि गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद महानगर भाजपा उनके कार्यकर्ता और भाजपा के महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा वो खुद मौके पर थे और वहां पर उन्होंने पोस्टर लेकर हाय हाय के नारे भी लगाए हैं प्रॉपर तरीके से, वहां पर एक पुतला भी जलाया गया। तो कहीं ना कहीं अब जो है जनता काफी आक्रोशित है और अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई माफीनामा नहीं आता है किसी तरह से, जब तक जनता इस बात को नहीं कबूल करेगी कि हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं उनके खिलाफ इस तरह की जो भाषा का प्रयोग किया गया, आइंदा कभी दोबारा कोई भी पाकिस्तान का चाहे कोई भी किसी भी तबके का नेता हो या कोई भी उस तरह की अमर्यादित टिप्पणी ना कर सके। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रवीण। लखनऊ में मुख्तार अंसारी और उनके परिवार पर बड़ी कार्यवाही, खबर लखनऊ से है। लखनऊ की संपत्ति की गई कुर्क। डालीबाग स्थित संपत्ति को कुर्क करने गाजीपुर पहुंची पुलिस, करोड़ों की कीमत की बताई जा रही है संपत्ति। लखनऊ में मुख्तार अंसारी और उनके परिवार पर बड़ी कार्यवाही, लखनऊ की संपत्ति की गई कुर्क। धालीबाग स्थित संपत्ति को कुर्क करने गाजीपुर पहुंची पुलिस, करोड़ों की कीमत की बताई जा रही है संपत्ति। खबर लखनऊ से है जहां मुख्तार अंसारी और उनके परिवार पर बड़ी कार्यवाही, लखनऊ की संपत्ति की गई कुर्क। मुख्तार अंसारी की लखनऊ की संपत्ति कुर्क की गई, धारीबाग स्थित संपत्ति को कुर्क करने गाजीपुर पहुंचे पुलिस, करोड़ों की कीमत बताई जा रही है संपत्ति। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रितेश हमारे साथ जुड़ेंगे। रितेश, अभी हाल ही में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा मिली है और आज गाजीपुर की पुलिस पहुंच चुकी है उनकी संपत्ति को कुर्क करने के लिए। देखिए नंदिनी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव नडर को दुरुस्त करने में जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि अपराधियों में खौफ का माहौल जमा हुआ है। अभी 12 तारीख को MPML ने कोर्ट में सजा सुनाई गई और 10 साल की इनको सजा सुनाई गई, 5 लाख रुपए का जुर्माना भी मुख्तार अंसारी पर लगाया गया। उसके बाद लखनऊ के डालीबाग स्थित आवास पर या उनका वहां पर कुछ संपत्ति है, उस संपत्ति को कुर्क करने के लिए गाजीपुर पुलिस ने वहां के जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर यहां पहुंची है पुलिस और बैंड बाजे के साथ पहुंच करके उनके संपत्ति को कुर्क करने का पूरा कार्रवाई किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जितने माफिया और बाहुबली थे उनका मनोबल कम हुआ है। जिस तरीके से आपराधिक घटनाओं को ये 16 साल पहले अंजाम दिए थे, जो गैंगस्टर के मुकदमे इनके ऊपर थे, उसके लिए काफी सालों से जेल में है, उसके बाद अब फिर 12 तारीख को इन्हें MPML कोर्ट ने फिर से सजा सुनाई है और 10 साल की सजा हुई है। उसके बाद सजा सुनाने के बाद 5 लाख रुपए का जुर्माना भी इनके ऊपर लगाया गया। रितेश, क्या लगता है परिवार के अभी और किन किन लोगों पर शिकंजा कस सकता है? देखिये नंदिनी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ईडी का पूरा शिकंजा मुख्तार अंसारी के पूरे परिवार पर और करीबियों पर और साथी मित्रों पर जमा हुआ है, करोड़ों रुपए की संपत्तियां कुर्क की जा चुकी है। अभी भी मुश्किलें की बढ़ने वाली है, कहीं छूटने वाले नहीं, क्योंकि जिस तरीके से ईडी निष्पक्ष जांच कर रही है, इसको जांच को लेकर के जो भी चीजें आएंगी, खामियां जो भी सामने आएंगे, वो जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी और बहुत बेनामी संपत्तियां इसमें कुर्क होने वाली है और भी बहुत लोगों को इसमें जेल की हवा खानी पड़ सकती है। फिलहाल अभी जिस तरीके से ये निष्पक्ष जांच हो रही है, उस जांच में जो MPML कोर्ट में जो दलीलें दी गई थी एडवोकेट नीरज श्रीवास्तव की तरफ से, तो अब इनको 10 साल की सजा सुनाई जा चुकी है और 5 लाख रुपए का जुर्माना भी इनके ऊपर लगाया गया है। फिलहाल अभी इनको जेल की भी हवा खानी पड़ेगी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका रितेश।
लखनऊ में सभी सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेजों की मान्यता बहाल। खबर लखनऊ से आपको बता दें, नए सत्र में दाखिला ले सकेंगे छात्र। आपको बता दें खबर लखनऊ से है। नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ने दी हरी झंडी। प्रदेश में 12 कॉलेजों में स्नातक की 502 और स्नातकोत्तर के 95 सीटें। नए सत्र में पीजी में लखनऊ, वाराणसी और पीलीभीत के कॉलेजों में होंगे दाखिले। कन्नौज में कोटेदार और प्रधानपति पर हमला। हमले के दौरान जमकर चले लाठी डंडे। घटना में 4 लोग घायल हो गए। आपको बता दें खबर कन्नौज से है। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सीओ समेत कई थानों के पुलिस गांव में मौजूद रही। सौरी थाना क्षेत्र के नंदपुर गांव का है पूरा मामला। कुछ